हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो सारे नए रिक्रूटमेंट्स के लिए जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट वो पोस्ट आपको ये चैनल पे मिल जाएगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। और बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स भी आपको अभी अवेलेबल है, बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो भी मैंने पोस्ट किए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो आप जाके उसको चेक करो चैनल पे जाके, ताकि आप अगर उसमें एलिजिबल हो तो आपका फ़ायदा हो और आप अप्लाई करो। ओके, और उस हिसाब से आप पढ़ाई करो। ओके, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ रिक्रूटमेंट, वो है IIT भिलाई के अंडर निकला है, वो है नॉन टीचिंग टेक्निकल पोस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। ओके, तो ये रिक्रूटमेंट्स के लिए, उसमें से कुछ है जो कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ है जो आपका परमानेंट पोस्ट है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों IIT भिलाई में। आपको ये रिक्रूटमेंट उनके साइट में, रिक्रूटमेंट्स में आपको स्टाफ के अंडर यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो स्टाफ के अंडर जो सेकंड वाला आपका जो पॉइंट है वो है आपका सीरियल नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल वैकेंसीज। ओके, तो यहाँ पे आपको उनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी अवेलेबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। इसका जो स्टार्टिंग डेट है 23 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म उसके स्टार्ट हो गए, और 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इस बैक रेट से आपको पे करना है। बाकी यहाँ पे प्रोसीजर उन्होंने बता दिए है। ओके, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, ताकि आपको जाके सिर्फ चेक करना है। ओके, तो चलते हैं अभी जो भी उनका एडवर्टाइजमेंट है उसकी ओर, ताकि क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम देख लेंगे। तो ये है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो 3 है, और जो लगभग टेक्निकल पोस्ट जो नॉन टीचिंग है, टीचिंग नहीं है, तो वो 4 अलग पोस्ट है। ओके, आपको यहाँ पे स्केल और लेवल पे जो भी एंट्री पे है वो भी आपको पता चल जाएगा। ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया हर पोस्ट को। ओके, कौन से ग्रुप में, असिस्टेंट मोस्टली सी ग्रुप होता है, बी ग्रुप में आपका सुपरिंटेंडेंट, और बाकी सारे जो रजिस्टर या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर कंप्यूटर सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर, याद है आपके ग्रुप ए में, एज फार एज दी IIT भिलाई कंसर्न। IIT भिलाई तो ये आता है आपका रायपुर छत्तीसगढ़। ओके, तो इसमें जो पहली पोस्ट है वो है रजिस्टर, बहुत बड़ी पोस्ट है ये, हमेशा डेप्यूटेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से होता है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं होती है। तो ये ग्रुप ए में आता है, अच्छा खासा स्केल पे है, ओपन के लिए 1 वैकेंसी है, 57 आपका एज लिमिट चाहिए। वही एडमिनिस्ट्रेटिव में असिस्टेंट की जो पोस्ट है ग्रुप सी की, उसमें भी 5 वैकेंसीज है, 2 ओपन, 3 OBC के लिए, 32 ईयर एज जो है इसका अपर एज लिमिट है। उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट 2 वैकेंसीज है, एक ओपन और एक OBC, 30 साल का आपका अपर एज लिमिट। उसके बाद में टेक्निकल जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो ग्रुप ए में आता है, 1 वैकेंसी है, और कंप्यूटर इंजीनियर को भी, जो सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर, उसके भी 1 वैकेंसी और 40 साल का आपका एज लिमिट है। और सुपर इंटेंडेंट जो जूनियर है टेक्निकल में, उसका आता है ग्रुप बी में, तो इसमें है 2 ओपन के, 1 SC के, 35 ईयर्स आपका एज लिमिट। और लास्ट जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट टेक्निकल, उसके लिए 1 वैकेंसी है और 32 आपका ईयर एज होना चाहिए अपर एज लिमिट। ओके, ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों। तो जो भी अगर आप रजिस्टर की यहाँ पे पोस्ट छोड़ दो, तो बाकी सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ओके, इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 ईयर्स और अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ द सुपरनेशन विच एवर इज अर्लियर फॉर रजिस्टर। ओके, तो ये रजिस्टर का, जैसे मैंने बोला, डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है हमेशा पोस्ट। ओके, तो रजिस्टर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको चाहिए आपका, ये तो 5 साल का आपका अपॉइंटमेंट होगा, 55% इन मास्टर, और आपका 15 साल का एक्सपीरियंस, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, उसके बाद में, या फिर आपका 15 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी स्केल के हिसाब से लेवल 11 पे, लेवल 11, 8 साल का, या फिर एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 2 के हिसाब से। तो इस हिसाब से इसके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसेंशियल डिजायर स्किल्स भी यहाँ पे उन्होंने बताए। ओके, वो भी आप एक बार चेक कर लो। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो खैर सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव की सबसे बड़ी पोस्ट है ये। नेक्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव में ही, वो है आपका असिस्टेंट। असिस्टेंट में यहाँ पे अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बैचलर डिग्री है, कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है कि बी बीटेक, कोई भी बीकॉम वगैरह, BBA, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, MBA वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैचलर है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए एज अ जूनियर असिस्टेंट, या फिर आपका लेवल 3 पे कहीं पे आपने काम किया हुआ, 7 CPC। ओके,
ये चीजें आपको इसेंशियल है, बाकी डिजायरेबल तो आपको स्किल्स जो भी आपके कंप्यूटर नॉलेज ये सब आना चाहिए, टाइपिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है असिस्टेंट, तो आपको जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो आपको करनी पड़ेंगे। सेम जूनियर असिस्टेंट का है, आपको चाहिए यहाँ पे भी अगर आपका बैचलर हुआ है तो कौन से भी आपके ग्रेजुएशन में आपका जो बैचलर हुआ है तो उसमें आपके 55% में मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है यहाँ पे। ओके, बाकी आपको कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने लिखा ही है। बाद में आगे की पोस्ट आती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आपका सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर, तो दोनों के लिए सेम ही है, बस इतना है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोस्ट है वो है सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए। ओके, तो सिविल या फिर आपके इलेक्ट्रिकल में बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वही चीज अगर आपका MEMtech उसमें हुआ है तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा आपके एक्सपीरियंस में, तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, 55%। उसके बाद में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो भी आपके अलग अलग कैड डिजाइन वगैरह सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, तो वो सब चीजें आपको लगेंगे यार, आपका जो भी बोल सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह सारे आपके आपको आना चाहिए। ओके, वो सारी चीजें आपको एबिलिटीज अभी गेन करनी होगी। उसके बाद में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे दिए, ओवरऑल सुपरविजन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस जो भी प्रोजेक्ट्स या वर्क्स होंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको वो देखना पड़ेगा। इनिशियल पोस्टिंग आपकी जो एस्टेट मैनेजमेंट सेक्शन में होगा। सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर का जैसे बोला, मैं बोला कि सेम ही है, बस इसमें आपका क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर ESE में भी अगर मास्टर हुआ है और आपका एक्सपीरियंस यस, अगर BBTech हुआ है तो आपका 6 साल का और आपका MEMtech हुआ है तो 4 साल का, वही सब चीजें और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, सारे सॉफ्टवेयर सबको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इन्होंने यहाँ पे बता दिए IT रिलेटेड। ओके, इनिशियल पोस्टिंग आपकी जो होगी वो IT IS में होगी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है। बाद में नेक्स्ट है जूनियर सुपरिंटेंडेंट। ओके, ये मेरे ख्याल से ग्रुप B में आता है, तो ये मास्टर डिग्री आपका साइंस में है तो आप एलिजिबल हो। ओके, उसके बाद में आपका बैचलर डिग्री इन साइंस है और 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर मास्टर है तो आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका BSc वगैरह है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस और इक्विवेलेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज भी याद रखो और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका जूनियर सुपरिंटेंडेंट और आपको डिजायरेबल स्किल्स, और यहाँ पे पाइथन वगैरह आपको थोड़ा बहुत पता चाहिए, PHP वगैरह, जावानेट, सब आपको थोड़ा बहुत पता, लिनक्स सिस्टम का भी नॉलेज होना जरूरी है। ओके, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे आपको बताई गई है। ओके, बाकी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है आप डिटेल पढ़ लो, क्योंकि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके स्किल्स डेवलप करो। ओके, तो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पे दी है और इनिशियल पोस्टिंग भी उन्होंने बताया, एक तो स्टेट मैनेजमेंट सेक्शन में होगा या फिर आपका ITIS में होगा। जो नेक्स्ट पोस्ट है आखिरी वो है असिस्टेंट टेक्निकल, ये इसमें आपका कंप्यूटर साइंस IT में अगर आपकी मास्टर डिग्री हुई है या फिर बैचलर डिग्री हुई है 4 ईयर इंजीनियरिंग, ओके, फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका BSc मतलब बैचलर डिग्री इन साइंस हुआ है और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है जूनियर असिस्टेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बाकी इंजीनियरिंग की जो फील्ड के हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको CNC वगैरह का नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स का, बाकी फैब्रिकेशन प्रोसेस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए हैंड्स ऑन का। तो बाकी जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज असाइन बाय द यूनिट लीड यूनिट हेड, तो ये तो होता ही, और इसका जो स्टार्टिंग आपका जो पोस्टिंग है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है IIT भिलाई का, वहाँ पे आपका होगा। ओके, तो ये सारा है इंफॉर्मेशन है आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है। लास्ट डेट 20 तारीख है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है आपको, भरना है ऑनलाइन फॉर्म है, और द इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट, अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि रिटर्न टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, क्या होगा, लेकिन जो भी चीजें होंगी आपको प्रिपरेशन करना है इंटरव्यूज या फिर रिटर्न या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए, आपको मेल या फिर स्पीड पोस्ट से आ जाएगा इंटीमेशन, मोस्टली मेल से ही आता है, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, तो ये चीज याद रखो। बाकी ट्रेड टेस्ट वगैरह डिपेंड करता है आपका, अगर कोई कंप्यूटर स्किल आपको मांगा है तो मोस्टली ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, रिटन टेस्ट भी हो सकता है, अभी तक उन्होंने ये डिफाइन
फाइंड नहीं किया, लेकिन अगर होगा भी तो एप्टी वगैरह ऐसा ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सीधा सीधा इंटरव्यूज होने के चांसेस भी है। ओके, यस, ओनली अप्लाई ऑनलाइन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे से करने हैं। और एक चीज यहाँ पे, एक चीज उन्होंने मेंशन की थी। जो जो यस आउटस्टेशन कैंडिडेट्स कॉल फॉर रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो जो जो लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, उनको यहाँ पे TADA, मतलब आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपको मिलेगा, जो मिलेगा आपको सेकंड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर। और जो ग्रुप ए में अप्लाई करने वाले पोस्ट में, उनको मिलेगा सेकंड टीयर AC रेलवे फेयर। उसके लिए आपको जो भी आपका टिकट है वो आपको संभाल के रखना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखो। उसके बाद में यस, ऑल द करस्पॉन्डेंस विल बी मेड थ्रू मेल एंड स्पीड पोस्ट, जो भी चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, रिटर्न टेस्ट होने वाला। हाँ, लेकिन हो सकता है, अब डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे भी और आपके पोस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो यस, इतनी सारी पोस्ट है। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है, और अप्लाई करो। जो जो लोग एलिजिबल है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी, और टेक्निकल के लिए भी जो नॉन टीचिंग है। तो बाकी सारे जो भी नए रिक्रूटमेंट्स है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी आप जो भी अभी रिक्रूटमेंट्स मैंने हाल ही में डाले, जाके चेक करो, अगर आप एलिजिबल हो तो अच्छी बात है, फॉर्म भरो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। सिलेबस वगैरह जो भी मेरे पास आता रहेगा ऑफिशियली, जो भी चीजें ऑफिशियली होगी, मैं आपको आपके साथ तुरंत शेयर करते जाऊंगा, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको तुरंत ही वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।